तुम मेरे कहने पे शेरनी के घर पे गई थी? नहीं, किसने बोला? मुझे लोग ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, कि भाई तुम हाँ मेरे कहने पे शेरनी के घर पे पहुंच गई। भाई ये स्टेटमेंट नहीं, को रिकॉर्ड की, एक मिनट नो भाई, ये वे स्टेट नो वे नो वे। एक मिनट, हाँ ये स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए, क्या तुम किया बिल्ली मेरे जाएगा मेरे कहने पे शेरनी के घर पे गई थी? ना। मैं पनौड़ी कहने पे गई ना, मैं सुमित नारंग के कहने पे गई, और जिससे शेरनी का ड्रामा है, जिससे लड़ाई है, मैं किसी कहने पे नहीं गई। भड़वी रांड, मैं अपने खुद के दम पे आई थी। मेरे को ना पनौड़ी ने कहा ना मुझे सुमित नारंग ने, तू कह रही थी लाइव पे बैठ के सुमित नारंग ने मेरे घर बताया है। तो भड़वी तू अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर, अपनी यूट्यूब चेक कर, उसमें ये चेक करके देखो कि आपने खुद ने बताया हुआ है कि मैं यहाँ रहती हूँ, मैं वहां रहती हूँ। मैंने अभी भी लाइव पे बोला, मैं दोबारा लाइव पे बोलूंगी, पनौड़ी 1 किलोमीटर पहले, 1 किलोमीटर पहले मैंने किसी से पूछा था कि ये कहाँ रहती है। मैंने कहा था गुड़गांव की शेनी उर्फ रंडी कहाँ रहती है, तो दुनिया ने दूर से बताया था, वो रहा उसका घर, जाओ चले जाओ। ठीक है, तो बकवास बाजी वहां कर, साथ ही चले, जहां ना चले वहां मत कर फालतू बॉस की कैसे, बकवास बाजी। तू बॉस कैसे पनौड़ी हो? को घेरे एक में मिनट ले, एक चाहे मुझे मिनट घेरे में ले, चाहे किसी को घेरे में ले। बॉस कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ भाई। बॉस मुझे तो बॉस घेरे में लेने की बात ही नहीं है, बॉस ठीक मैं है? छोटा बॉस मैं छोटा भीम हाँ भाई, जानता हूँ, क्या हुआ बोलो। बॉस। आपसे गुस्ताखी गुस्ताखी चाहूंगा मैं थोड़ी सी। हाँ हम आपके वो हैं। एक बंदा है विकास पाठक हाँ उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ, हाँ मैं उसकी अम्मी को हलाल करना चाहता हूँ, क्या करा जाए? क्यों भाई, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो अपनी मम्मी को मेरे पास बार बार लेके आ रहा है कि मेरी माँ छोड़ दो, मैं क्या करूं? अरे लेकिन उसने क्या बिगाड़ा है क्या तेरा? बॉस अपनी माँ छुदवा रहे बार बार। लेकिन उसने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैं तुझे ये पूछ रहा हूं। वो कहता छोटा भीम कौन है, मैं जानता नहीं हूं। अच्छा, आज उसने लाइव चली शाम को 8 बजे। तो वो तुझे नहीं जानता, तो उसमें तू उसकी माँ चोदेगा? बॉस हम तो कंट्रोवर्सी किंग है ना बॉस, अच्छा तो मैं तो चाहता सोचो, हूँ, तो बॉस वो मैं उसको चाहता नहीं हूँ। जानता, इसमें ये इसकी माँ चोदेगा? क्या बात है भाई, जबरदस्त, अरे नहीं, मजा आ गया। मेरी एक बात मिनट सुनना, बॉस, मेरी बॉस बात एक सुनो, मिनट छोटा भी मेरी बात सुनो, छोटी सी ना बात सुनना, एक मिनट, ठीक है? बिल्ली बिल्ली हाँ एक बोलो। मिनट, ये बिल्ली बातें छोड़ भाई। बिल्ली मुझे ये यहाँ पे क्यों बुलाया, वो बात कर, ये बात खत्म, ये को बात बुलाया था, कर। बिल्ली को। हाँ बिल्ली क्यों बुलाया, मैंने बॉस तुम्हें क्यों यहाँ पर बुलाया? इसलिए बुलाया, मैंने तुम्हारे को इसलिए बुलाया है, मुझे ये बताओ कि हाँ मेरी तुम्हारे से कब ये बात हुई है जो तुमने अभी बोली कि पनौड़ी ने बिल्ली को 50,000 रुपए पेटीएम करे हैं कि शेरनी के मुंह पे थप्पड़ मार, कब हुई ये बात हमारी? नहीं, पनौड़ी बताओ आप। मैंने किसी को बिल्ली को पैसे नहीं दिए, ना तो मैंने किसी को पैसे दिए हैं शेरनी के घर पे जाने के लिए। शेरनी की हाँ ये सारी, भाई देखो, शेरनी की ये सारी मनगलत कहानियां है। शेरनी के बीच, नॉक्सी के बीच, वो लंदन वाली एजी के बीच, और ये बिल्ली के बीच, हाँ जी, इन चारों के बीच किस बात को लेके झगड़ा है मुझे नहीं पता। दूसरी नहीं पता ना आपको। बात, मुझे नहीं पता। दूसरी बात, मैं जब ये बिल्ली शेरनी के घर पे जा रही थी उस दिन, मैं रात को, अमेरिका की रात को, इंडिया की मॉर्निंग को, मैं वो एजी की लाइफ पे ऐड हुआ, ठीक है? हाँ ऐड होने के बाद मैं सिर्फ वहां पे मजे लेने के लिए ऐड हुआ था, जैसे हर कोई लेता है। हाँ मेरी कंट्रोवर्सी होती है, हर कोई मजे लेता है लाइफ में आके, ठीक है? तो मैं सिर्फ वहां पे मजे लेने के लिए गया था। मुझे तो कंट्रोवर्सी किस बात की है, किसने किसको गाली दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद अच्छा ना तो मैं एजी की लाइफ पे गया, ना तो मैं नॉक्सी की लाइफ पे गया, ना तो बिल्ली मैं तेरी लाइफ पे आया, बिल्कुल डन। ठीक है? ना तो मेरी और बिल्ली की आज से पहले अभी तक ना तो कभी डीएम में बात हुई, ना तो कभी भी बिल्ली नहीं का तो मेरे पास नंबर है, ना तो बिल्ली के पास एक मेरा नंबर है, ठीक है? और मैं क्यों किसी को नहीं पैसे दूं? उर्फ बक रही, तू मुझे बता, तूने तो पनौड़ी का नाम भी ले दिया कि 50,000 पनौड़ी ने मेरे को दिए कि मैंने उसने देखो किसी मुंह को पे थप्पड़। पैसे अच्छा नहीं ठीक है, दिए, तू ये तो पनौड़ी को भी छोड़, तू पनौड़ी को, तूने देसी क्वीन का भी नाम लिया। देसी क्वीन ने 50,000 रुपए तुझे देने के लिए बात करी थी कि तू मुंह पे थप्पड़ मारा, तो मैं तेको 50,000 दूंगी। बहन की लौड़ी गश्ती, मैं इतनी का सस्ती ना हूँ जो किसी कहने पे आऊंगी, पहली बात तो ये। और पनौड़ी से आज तक मेरी डीएम में कभी बात नहीं हुई है, ये पनौड़ी भी सामने बैठे हैं और मैं भी बैठी हूँ, मेरी आज तक इनसे कभी बात नहीं हुई है। मैं तुझसे नहीं बिल्ली, मैं किसी के साथ डीएम में बात ही नहीं करता, क्योंकि डीएम में बात करना मतलब कंट्रोवर्सी करना, बातों को रिकॉर्ड करना, वीडियो कॉल्स बिल्कुल को बिल्कुल रिकॉर्ड करना, ठीक है, और हाँ फिर वही चीजों को लाइव पे आके दिखाना। ये दिखाना। सारी चीजों की वजह से मैं किसी के साथ डीएम में बात ही नहीं, मैं सिर्फ उनसे ही बात करता हूँ इंस्टाग्राम पे डीएम में, जैसे कि भाई अपने गोल्डी भाई है, ठीक है, उनसे कभी कभार, वरना तो हम लोग फोन पे ही बात कर लेते हैं।
राइट, और जो मेरे पनौड़ी आर्मी के मेंबर्स है उन लोगों के साथ मैं डीएम में बात करता हूँ। उसके अलावा भाई मैं किसी के साथ डीएम में बात करता ही नहीं हूँ, ना तो मैं किसी के साथ ग्रुप कॉल में जुड़ता हूँ, ना तो मैं किसी से बात करता हूँ। पनौड़ी मैं आपको ये बोल रही हूँ, आपकी किसी से हो ना हो, पर मेरे साथ आज तक कभी भी पनौड़ी की इन पर्सनल कभी बात नहीं हुई है, इन फ्यूचर भी नहीं हुई है, और इन प्रेजेंट भी, इन पास्ट भी कभी भी हमारी लाइफ पे भी बात नहीं हुई है। तो भड़वी इन चीजों का फर्म हटा दे अपने दिमाग से कि मेरी पनौड़ी से आज तक बात हुई है। और इवन तो पनौड़ी तो चल दूर की बात है, तू देसी क्वीन की बात कर रही थी ना, कि देसी क्वीन ने तेरे 50,000 रुपए दिए देंगी अगर तू मेरे ऊपर थपाड़ा मारेगी। मैं तेरे ऊपर थपाड़ा उस दिन मार रही थी, अगर भड़वी तो नीचे आती तो नीचे ही नहीं आई। तू छोड़ इस बात को ना, मैं देसी क्वीन से बात करती ना, मैंने आज तक पनौड़ी से हमारी कभी डीएम में बात हुई है ना, मेरी देसी क्वीन से, तो बातों का फर्म मत डाल फालतू का। मेरा नाम इस कॉन्ट्रोवर्सी में फालतू का मत ले। तुम्हारा बिल्ली का क्या है, तेरा नॉक्सी का क्या है, तेरा और देसी क्वीन का क्या है, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं उस दिन सिर्फ लाइन में इसलिए गया था कि मुझे डिनर करना था, मैं डिनर करने बैठा था, और भाई मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं ले रहा था मजे। ठीक है, तो मेरा काम है मजे लेना, लोगों को मजे दिलो। हाँ पनौड़ी तुम नहीं, यहाँ पर दुनिया मजे लेने के लिए आती है, पर किन्नी कॉन्ट्रोवर्सी क्यों होती है यहाँ पे, जितने भी लोग बैठे हुए है। अब मैं ये विक्रांत को पूछूंगा कि भाई खाना पीना हो गया, क्या कर रही है तेरी मम्मी, क्या है ये लौड़ा देखने के लिए आएगा, कौन देखने के लिए आएगा हम लोगों को, कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई देखो मैं खेला चलाता हूँ, मेरे दम पे चलाता हूँ। शेरनी तेरे कंट्रोवर्सी से मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मेरा नाम लेके 50,000 दिए मैंने इसको, बिल्ली को तेरे घर पे भेजा, उसको भेजा, भाई मैं क्यों भेजू तेरे घर पे किसी को, मेरा मतलब क्या है तुझसे जो मैं तेरे घर पे किसी को भेजू, ना तो तेरी मेरी कोई बात है। भाई तुझसे जो भी होता है ना वो तू अपने आप पे कर शेरनी, किसी का नाम मत घसीट कि उसने उसको पैसे दिए, उसने उसको पैसे दिए। किसी के कंधे पे बंदूक रख के मत चला, तेरे अंदर अगर दम है तो सामने लड़, किसी को बोल के किसी के ऊपर रख के बंदूक मत चला बेटे, सामने लड़, पनौड़ी से भी सामने लड़, अगर लड़ना है तो मेरे से भी सामने लड़, किसी से भी लड़ना है सामने लड़, पीठ पीछे बकचोदी करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, दूसरी बात तूने मुझे बोला, तूने लाइव पे बोला, एक छोटी सी बात सुनना, इसने लाइव पे भी ये बात बोली थी अभी एक दो दिन पहले कि देसी क्वीन ने हाँ बिल्ली को 50,000 रुपए दिए थे कि अगर तू शेरनी के मुंह पे थप्पड़ मार देगी ना तो 50,000 मैं दूंगी। बहन की लवड़ी घसड़, मैं 50,000 की भूखी नहीं हूँ, तेरे जैसी रंडी होगा ना 500 रुपए में खरीद लूं, 500 ओनली, तू मेरी औकात लगा रही है क्या? मैं मुंह नहीं लगती इतनी जल्दी, सबको पता है इंस्टाग्राम पे कि मैं किसी के नाम की लाइव नहीं चलाती हूँ, किसी के नाम की बात नहीं करती हूँ, मैं अपनी लाइव खुद चलाती हूँ, चाहे मेरे में 10 बंदे बैठे हो चाहे 50 या 100, मुझे उससे मतलब नहीं है। बट अगर तू ये बात करेगी ना कि भाई बिल्ली ने 50,000 रुपए लिए देसी क्वीन से तुझे मारने के, तो रंडी बिल्ली को अभी भी 20 मिनट लगेंगे तेरे घर के बाहर पहुंचने में, और मेरे को कोई विक्रांत का वो नहीं, मेरे को कोई पनौड़ी का नहीं, कोई उर्वशी का नहीं, मैं 20 मिनट में पहुंचूंगी तेरे घर के बाहर, और तेरी गांड का बाल हिले ना तो मेरे से। सही बात है भाई, मैं भी लाइव चलाता हूँ, अपने दम पे चलाता हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली तो भाई बिल्ली जाएगी अपने दम पे जाएगी, उसको जाना नहीं जाना, भाई वो बिल्ली छोटी बच्ची थोड़ी है जो मैंने बिल्ली को बुला के लिए बिल्ली चॉकलेट और शेरनी के घर चली जा। हाँ ऑब्वियसली यार, मैं को रोटी को चोची नहीं बोलती, या मैं दूध के निप्पल में दूध नहीं पीती, मैं भी एक ग्लास में पीती हूँ दूध रात में, तो भड़वी तू पीती है रंडी। अगर तूने, मैं तेरे को उस दिन भी बोला था, मैं तुझे आज दोबारा बोल रही हूँ, और मैंने दोपहर में भी बोला था, अगर तुझे अगर अपनी औकात को जितनी तू तेरी तो रह रही और 20% भी रह रही हूँ उसको भी कायदे में रखना है ना, तो बिल्ली को, नॉक्स को, एजी को और मित्तल को सॉरी बोल लाइव पे आके बहन की लौड़ी, और अगर तेरे बस की वो ना है तो जो हम बोलेंगे वो सुनो, पर झूठी बातें मत बनाओ, झूठी बातें मत बनाओ, पनौड़ी का फेम मत खाओ, राहुल शर्मा का, सुमित नारायण का, किसी का फेम मत खाओ झूठा, अपना फेम खा, जो तेरी औकात है तू उस औकात में रहे, किसी का फेम मत खा, क्योंकि हम अगर तेरा फेम खाने पे आए ना या हम तेरी बात पे आए ना तो बेटे आप अपना घर खाली करके चली जाओगी, और इतनी भयंकर बात हो सकती है, इसलिए मैं इतनी दूर तक नहीं जाना चाहती हूँ। शेरनी बुढ़ी आंटी मेरी माँ के बराबर औरत, अपनी औकात में रह ले रंडी घसती, 500 रुपए में टके टके में चुदने वाली, मुझे तेरी सारी हिस्ट्री पता है, अगर तू चाहे ना, तू क्या चाहे, तो लौड़ी तो मेरी औकात की ना है, अगर तू, मैं चाहू ना तेरी 5 मिनट में सारी हिस्ट्री खोल दू सारी, और दुनिया क्या बोलेगी, हाँ थू तेरी बहन का भोसड़ा, ये है शेरनी। तो ये अगर ये दिन चाहती हो तो जब बता दियो, और अगर सॉरी बोल के बात खत्म करवाती हो तो जब मान जियो, और अगर तूने यही डेली कंट्रोवर्सी करनी है, पनौड़ी का फेम खाना है, मेरा फेम खाना है, मेरा तो चल लंड का फेम नहीं है, मैं तो मूवी बोल रही हूँ, विक्रांत खाना है, उर्वशी खाना है, और भी एजी का, नॉक्स का, किसी को भी खाना है, खा ले, खा के मर जा, पर रंडी किसी का नाम मत ले, नाम मत ले के बोल,
तेरी तेरे को पता ना, तू अपने आपको माँ बोल रही थी ना, माँ तो तेरी बड़ी माँ हूँ, तेरे से वो छोटी उम्र की, तेरी बड़ी माँ, तेरी माँ छोड़ी गई थी ना, तूने क्या बोला था, बिल्ली जब जाएगी ना, जब मैं नीचे उतर के जाऊंगी, भोसड़ी की गाने पड़ रही है बहन की लोड़ी, तेरे को पता था कि माँ छोड़ देगी बिल्ली है, जबकि भगी थी, जब मत भगती, तूने बोला SHO को कि जब बिल्ली और इनकी गाड़ी चली जाएगी जब मैं निकलूंगी, और मैं तो आगे लेफ्ट कॉर्नर में खड़ी थी, जब मैं तो देख लेता मारे मारे निकलते ही तो उतरी थी, तो पता था कि भीत में ऐसी बच जाएगी, जिंदगी भर याद होगी कि क्या हो गया मेरे साथ, समझ की, तो इतनी अफरात मत बन, नेपालन की मोमोज वाली लड़की औरत इतनी इतना भरम ले जितना तू ओढ़ सके, उससे ऊपर नहीं, तू पनौड़ी का फेम खाना चाहती है, खा ना खा, ये बैठा पनौड़ी, ये बैठा ले खा, कितना फेम खाएगी भोसड़ी, कितना फेम खाएगी। अरे नहीं नहीं यार, देखो मुझे झूठी बातें पसंद नहीं है, मैं अपनी लाइन में खेला करता हूँ, मैं प्रूफ के साथ खेला करता हूँ, मैं झूठी बातें नहीं बोलता, ठीक है। तो मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, ना तो मैंने बिल्ली को भेजा, तो भाई शेरनी देख, अगर तेरे दिमाग में गलत फहमी है या तो तुझे झूठी इन्फॉर्मेशन किसी ने दी है, तो ये इन्फॉर्मेशन कतई झूठी है कि मैंने बिल्ली को पैसे दिए। भाई बिल्ली को मैं जानता ही नहीं हूँ, बिल्ली को शायद मैं 2 या 3 बार लाइफ में मिला हूँ, ना तो बिल्ली के बारे में मैं कुछ पता है, तो मैं क्यों बिल्ली को पैसे दूं, और पैसे देने की बात तो दूर रही, मुझे कंट्रोवर्सी का ही पता नहीं है, तो मैं क्यों बिल्ली को तेरे घर भेजूं, कोई मतलब तो होना चाहिए ना बिल्ली को मैं तेरे घर पे भेजूं। दिल्ली NCR में ना एक बिल्ली के अंदर एक गांड का गूदा था जो तेरे घर पहुंचती सब तो फटती थी, सबकी फटती थी, सबकी लाइव पे बैठी हूँ, 900 बंदे बैठे हैं, सबके आगे बोल रही हूँ, सबकी फटती थी, क्यों फटती थी ये भी बताती हूँ, क्योंकि तू एक लेडी है, और लेडी से अगर लेडी पंगा लेती है ना तो बच जाता है इंसान, आदमी पंगा लेता ना तो 2 मिनट में लड़की नंगा करती है अपने आप को और बोलती 376 चलो अंदर, ठीक है, मेरे से पंगा ले रंडी, मेरे से पंगा लेना, मैं कह रही हूँ NCR में जितने लड़के हैं ना, जितने भी आदमी जिन जो तेरे से खार खाए बैठे हैं, उनके खिलाफ से मैं लड़ूंगी, तेरी गांड में दम होना चाहिए लड़ने का, मैं 376 तो क्या, तू छोड़ 376 तू किसी आदमी पे नहीं लगा सकती, मैं हूँ सब इन सबके आगे जो NCR में है ना, NCR के आगे मैं खड़ी हूँ, लड़की है ना लड़की, तू लड़की की बात करे, लड़की को भेजो लड़की खड़ी है, अच्छा तू मेरा ना एक पॉइंट का हाथ का बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकती, हाथ का कह रही हूँ मैं तो, झाट की तो बहुत दूर की बात है। नहीं, अगर तुम चाहो, अगर तुम चाहो तो एक चीज मैं कर सकता हूँ। क्या के देखो अब बात जंग छिड़ चुकी है, ठीक है, हाँ, अब तुम भी बिल्ली हो वो भी शेरनी है, राइट, तो अब एक चीज हम लोग कर सकते हैं पूरे इंस्टाग्राम की ओर से, पूरे NCR की ओर से, ठीक है, हाँ, के ना तो तुम हवाबाज हो, ना तो शेरनी, हाँ, दीदी हवाबाज है, ठीक है, हम फो, तो हम पूरा इंस्टाग्राम अब ये चाहता है कि इस जंग का एक एंड हो जाए, क्योंकि देखो वो लाइव चलाती है, उसकी भी एनर्जी वेस्ट होती है, नीचे लोग आके बोर होते हैं कि ये भैंसो क्या है, बिल्ली बिल्ली ये वो मार चोद देंगे ये कर, तो लोग नीचे भी बोर होते रहते हैं, ठीक है, तो अब ये सारी चीजों का हम लोग एक चीज तय करते हैं कि जब भी तुम फ्री हो, राइट, और जब भी शेरनी फ्री हो तो हम लोग, बोलो बकरी, नहीं नहीं यार तुम्हें बिल्ली बोलता हूँ तो उनको क्यों बकरी बोलू यार, मैं तो तुम दोनों के बीच में एक एक लकीर खींच, लकीर नहीं मतलब तुम दोनों को मैं भिड़वाना चाहता हूँ बेसिकली, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके अंदर जो खुन्नस भरा पड़ा हुआ है शेरनी को लेके, शेरनी के अंदर आपको लेके जो खुन्नस भरा पड़ा हुआ है, राइट, तो हम लोग अब ये चाहते हैं कि एक ऐसा पॉइंट बनाया जाए, मैं तो दिल्ली से हूं नहीं, मैं NCR से भी नहीं हूं, तो एक ऐसी जहां पे एक जगह हम लोग डिसाइड करते हैं कि जिस दिन जिस टाइम पे तुम भी वहां पे हो और शेरनी भी वहां पे हो, ठीक है, और वहां पे जाके एक लाइव चलाई जाए, लाइव आप नहीं चलाओगे, आप लोग तो झगड़ा करोगे वहां पे, लाइव तो कोई तीसरा बंदा चलाएगा, ठीक है, पनौड़ी मैं तुम्हारी सारी बात समझ गई, मैं तुम्हारी सारी बात समझ गई, तुम जो कहना चाहते हो, जो आखिर तक समझ आते हो ना, मैं कहती हूँ कि अगर शेरनी मेरे को अपनी जगह बुलाती है मैं वहां चली जाऊंगी और अकेली जाऊंगी, मेरी गांड नहीं पड़ती, अगर वो थूथ पे रैपटे पड़ेंगे ना तो मेरे को कुछ नहीं जाने वाला, तुम सुनो 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 सुनो, तुम अगर बीच के बिचौलन बन रहे हो ना, तुम अगर तुम बिचौलिया बन रहे हो ना तो तुम प्रॉपरली बिचौलिया बनो पनौड़ी, कभी अपने तरफ कभी बनो, मिलवाओ, मैं तो कह रही हूँ मिलवाओ, मैंने ऑन कर लिया क्योंकि अब इतनी बड़ी बातें हो रही है तो अब बड़े कैमरे पे होनी चाहिए ना, हाँ, तो मैं ये क्यों हटा दिया विक्रांत, क्यों हटा दिया इसको, नॉडी को, अरे मैं यहाँ पर हूँ, अरे मेरे को दिख ही नहीं रहे हैं वो, मैं हूँ उर्वशी और विक्रांत तुम्हारे कैमरे में, बस नहीं नहीं पटौनी जी है,
बोलो बोलो बोलो, तुम नहीं नहीं भी दिख रहे हो फिर भी बोलो, मेरे को सुनाई दे रहा है, बोलो। एक मिनट ये कैमरा। हाँ भाई अब दिखाई दे भैया, बैक कैमरा हो रहा नहीं यार, फ्रंट है। अब दिखाई दे रहा है विक्रांत, फ्रंट कैमरा है उनका। तो मुझे तो बिल्कुल स्क्रीन आ रही है भैया की। दोबारा री ऐड कर ले, री ऐड कर रही हो करना, एक बार विक्रांत आप री ऐड करना उन्हें। कर बिल्ली फिर तो आमने सामने जा रही है अब दोबारा से है? मैं कहा तो दोबारा से आमने सामने जा रही है। मैंने गांड मारी की बहन की लौड़ी की। हेलो साला, मुझे भी वो नहीं नजर आ रहे कमेंट्स, पता नहीं। हाँ हाँ तो मैंने भर दी। विक्रांत मुझे भी नीचे गिर के दोबारा उठाना, खुद गिर जाओ। तुमने तो शेरनी का घर देखा हुआ है, तुम्हें तुम्हारा घर पता है, ठीक है? मैं कह रही हूँ चाहे वो उसके घर का पॉइंट हो, चाहे वो मेरे घर का पॉइंट हो, जहाँ उसका दिल करे ना, जहाँ वो हैप्पी आवर्स में जाती है ना सेक्टर 29 में, 29 सेक्टर में जाती है हैप्पी आवर, 1000 रुपए में 1000 रुपए की ड्रिंक, वहां मिल चाहे कहीं मिल, जहाँ उसका जी करे ना पनौड़ी, उसको बोलो वहां मिलेगी, मैं वहीं मिलूंगी। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, जहाँ वो कहेगी वहां मिलूंगी मैं। बट वो ये बोलेगी ना, बहन की टकी तू मेरे घर आके मिल, ये मिल, तो तेरी बाप की नौकर नहीं हूं मैं, जब मैं तेरी माँ चौधरी चौधरी भोसड़ी की बालकनी में भी ना आई तू, अब तू जहाँ बोलेगी वहां नहीं मिलूंगी मैं। अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि उसके घर के बाहर जहाँ पे भी तुम्हें शेरनी बुलाएगी वहां पे तुम चली जाओगी? डन। तुम ये इस बात से एग्री करती हो? डन डन डन। ओके अब मुझे एक मिनट दे दो, एक मिनट दे दो। अरे तुम 2 मिनट लो पनौड़ी, ये 500 रुपए 500 रुपए 500 में दो 500 में दो, अपने को नहीं बचता भाई। शेरनी पुलिस के पास भागती है। नहीं नहीं यहाँ पे तो भोसड़ा, अरे नहीं नहीं यहाँ पे तो मर्द औरतों वाली बात हो रही है ना, उसमें पुलिस कहाँ आती है भाई? शेरनी मर्द औरत है, ये मर्द औरत है। उस दिन भी हमारी यही बात हुई थी, पुलिस क्यों आएगी बीच में? कि तेरी और मेरी लड़ाई है, तू मेरे से भिड़, तू मुझे मार, मैं तुझे मार के तुझे मैं गाली दे, तू मुझे, तू पुलिस वालों को बीच में क्यों ला रही है मेरी जान? तू पुलिस वालों को क्यों ला रही है? पुलिस वालों को तो क्या काम है, उनको तो ये है कि इधर लड़ाई हो रही है हटाओ, उनका तो ये काम है, उनका ये काम थोड़ी ना है कि वो जो तुम बोलोगे उन चीज पे खड़े उतरेंगे। नहीं ना, हम तो कह रहे हैं पनौड़ी जहाँ बोलेगा वहां खड़ी मिलूंगी। हाँ जी बोलो। एक मिनट मैं स्टोरी डालूंगा, मैं एक मिनट रुक जाओ। मैं तो कह रही हूँ पनौड़ी मेरी तो छोड़ो तुम, मेरे साथ जिसकी फोटो खींच के बैठी है ना, और रॉकी की, हम दोनों वो दोनों साथ में मिलेंगे, दोनों साथ में बेटे। चलो जी करे तो वहां मिलेंगे। प्रधान साहब जरा कमेंट सॉफ कर दो, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है इसलिए। हाँ कर दो भाई। आज के खेले में जो हाँ। खेला चल रहा है बिल्ली और शेरनी के बीच में, तो बिल्ली ने एक्सेप्ट कर लिया है कि शेरनी अपने घर के अलावा जहां पे भी बुलाएगी, जिस टाइम को बुलाएगी, वहां बिल्ली जाने के लिए रेडी है। बिल्ली तुम रेडी हो के नहीं हो? हाँ हाँ रेडी हूँ, 200% रेडी हूँ। ओके तो भाई ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है वो स्टेटमेंट को जरा अपनी गुड़गांव की शेरनी को भेज दिया जाए, और ये स्टेटमेंट मुझे भी दे दो जिसको मैं मतलब वो तुम्हारी अपनी अंपराए? नहीं 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 नहीं, अपनी मतलब इंस्टाग्राम अपना है ना, सब इंस्टाग्राम तो अपना है, पूरा है इंस्टाग्राम, हम सबका है। अच्छा, ऐसे अच्छा। ऐसे मैं बोल रहा हूँ, तो अपने इंस्टाग्राम की जो बिल्ली है और इंस्टाग्राम की जो शेरनी है, तो ये बिल्ली तो यहाँ पे बैठी हुई है, तो उसको तो भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट को शेरनी के पास पहुंचाया जाए, और शेरनी को ये वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दो और मुझे भी भेज दो मेरे डीएम्स में, उसको मैं स्टोरी पे लगा दूंगा कि जब शेरनी चाहेगी तब
शेरनी जगह तय करेगी, वहां पे ये बिल्ली उसके घर पे, सॉरी उसके घर पे नहीं, घर के अलावा जो भी जगह होगी वहां पे शेरनी और बिल्ली दोनों आपस में मिलेंगे और वहां से लाइव चलेगी। लाइव चलाएगा कोई थर्ड पर्सन, जहां पे भी वहां जाएगा। ना तो बिल्ली किसी मर्द को लेके जाएगी, ना तो भी नहीं जाऊंगी, हाँ, और ना तो शेरनी किसी मर्द को लेके आएगी। ये कॉन्ट्रोवर्सी है दो औरत की और दो बाहुबली औरत की, ये कॉन्ट्रोवर्सी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब ये कॉन्ट्रोवर्सी का बहुत हुई सारी हवाबाजी, उसने 50,000 लिए, मेरे कहने पे बिल्ली गई, शेरनी वहां से हवाबाजी कर रही है हर रोज लाइव पे आके, मैं ये कर दूंगी, जाट का बाल फाड़ दो। भाई जाट और चूत का बाल कौन फाड़ेगा, कौन किसका खून पिएगा, वो सारी चीजें अब शेरनी तुम तय करोगे। देख लेना पनौड़ी, कल को हाँ। कोई सीन ऐसा हो जाए और वो कहते ना बहती गंगा में हाथ फिलाए या फिर खून भरी मांग, तो फिर बिल्ली का नाम नहीं आना चाहिए, कहीं पता चले उसकी मां छुट जाए और तुम बोलो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, हमें नहीं पता। नहीं, अरे नहीं नहीं, इंस्टाग्राम अब खून मांगता है भाई, खून चाहिए इंस्टाग्राम को। इंस्टाग्राम को तो लंड चाहिए, चाहे बुद्धि चाहिए, तुम्हें चाहिए खून। भाई इंस्टाग्राम से लोगों को लंड और चूत बहुत मिल गई, लोगों ने बहुत लोगों को वीडियो कॉल पे नंगा कर लिया, बहुत लोगों ने मूठे मार ली वीडियो कॉल पे देख देख के। सीधा बोलो ना, सीधा बोलो की बिल्ली मार चौधे शेरनी की, बोलो ना। देखो यार बिल्ली, मैं आपको भाई, देखो मैं इंस्टाग्राम का क्या बोलते हैं उसको, धर्मात्मा बोलते हैं मुझे लोग, तो मैं तो आपकी साइड भी बोलूंगा, उसकी साइड भी बोलूंगा। तो बात ये है, बात भाई ये तय रही कि मैं स्टोरी लगाऊंगा, अब कान खुल के सुन ले गुड़गांव की शेरनी, अगर तू सही में शेरनी है तो एड्रेस और टाइम तू अपनी स्टोरी पे लगाइयो कि किस एड्रेस पे किस टाइम पे मिलना है। स्टोरी मत लगा, मैंने ब्लॉक नहीं कर रखा, मेरे को डीएम करती है, मेरे को फोन करती है, बोल मेरे को मैसेज कर देगी। ये क्या बात हो गई, व्यूअर्स को तो पता चलना चाहिए ना तब तुम कब मिलने वाले हो। साथ क्योंकि मैं उसकी स्टोरी को फॉलो नहीं करती ना, वो स्टोरी लगाएगी, लगा बट मेरे को साथ के साथ सेंड भी कर दियो। ओके भाई शेरनी, जिस दिन तू स्टोरी लगाएगी वो स्टोरी सारे इंस्टाग्राम के जितने भी बड़े बड़े अकाउंट्स है सब लोगों को वो स्टोरी शेयर की जाए, सब लोग अपने अपने अकाउंट में वो स्टोरी लगाएंगे। उस दिन सिर्फ एक ही लाइव चलेगी, जहां पे जगह पे जो मीटअप पॉइंट होगा वो पॉइंट से अगर जो बंदा लाइव चलाएगा सिर्फ उसी की ही लाइव चलेगी, और लाइव के दरमियान जो कुछ भी होगा वो सारी चीजें रातों रात हाथों हाथ लाइव पे दिखाई जाएगी। तुम अग्री करते हो इस बात से बिल्ली? बिल्कुल करती हूँ, बिल्कुल। ओके तो भाई देखो, अब ये हर रोज रात को 2-4 पैक पी के लाइव पे आना, बिल्ली मैं तेरी माँ चोद दूंगी, बिल्ली तू ये कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, नौक्सी तेरी माँ का भोसड़ा, एजी तेरी माँ की चूत, भाई ये सारी चीजें, ये सारी चीजें बहुत हुई। नौक्सी एजी की साइड से है हमारी बिल्ली, और गुड़गांव की शेरनी तो अकेली है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। अकेली नहीं है वो, भड़वी अकेली नहीं है, उसके साथ सिमी है, एनिक्वायर है, और एक रंडी और है, उसका नाम मुझे पता नहीं है, 3-4 लड़कियां इनके साथ है। हाँ, मैडम के तो उनकी टीम से है शेरनी और दूसरी टीम से है बिल्ली। तो अब शेरनी बिल्ली ने तुम्हारे पे छोड़ दिया है कि तुम जहां पे भी बोलोगी, लेकिन मीटअप पॉइंट ऐसा रखना कि तुम लोग एक दूसरे को जल्दी से जल्दी मिल पाओ, ठीक है? तो मीटअप पॉइंट ऐसा रखना, और मीटअप पॉइंट ऐसा रखना कि जहां जब लड़ाई शुरू हो वहां पे तुम लोगों को कोई छुड़ाने के लिए बीच में नहीं आना चाहिए। लड़ाई तब तक चलेगी जब तक किसी की मां ना चूत जाए, जब तक ये ना बोल जाए कोई कि बिल्ली मुझे माफ कर दो, या तो शेरनी बोल दे बिल्ली को। अरे नहीं मेरी बात सुनो, माँ तो छुदी छुदाई है, जब तो ऐसी छिनाल पैदा हुई है और मैं इतना राक्षस पैदा हुई है, छुदी छुदाई माँ है। बट हाँ ये बात है कि जिस पॉइंट पे तू मिलेगी उस वक्त तेरा कोई यार प्यारा नहीं होगा। कंडीशन अप्लाई ये है कि दोनों औरतों के साथ कोई मर्द नहीं होगा,
नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा yes. और हुआ Tierney हुआ एंड बिल्ली अरे एक मिनट एक मिनट पनोटी अगर हुआ अगर मेरे साथ हुआ तो तू उसी वक्त लाइव चला के मेरे को बोल के और चली जाएगी उस रास्ते से और अगर तेरे साथ हुआ तो मैं लाइव चला के उस रास्ते से चली जाऊंगी नहीं 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 अगर Tierney के साथ कोई मर्द आएगा तो तुमको बाकायदा तुमको जिसको भी बुलाना होगा उसको बुलाने का तुम्हें मौका फरमाया जाएगा तुम जिसको बोलोगी वो बंदा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा अच्छा हाँ तुम जिसका भी तो नाम तो लोगी अगर उसके तो पास दो मर्द होंगे अगर तो उसके सुन रही है सुन रही है हाँ तो सुनने दो मैं कहाँ कोई गलत बोल रहा हूँ भाई अगर उसके पास दो मर्द होंगे अरे तो सिंगल सिंगल लड़ाई थी ना अभी दो अभी मैं वही बोल रहा हूँ के बाद उसने यही बात बोली सिंगल सिंगल आना सिंगल सिंगल आ मैं ये करूंगी मैं वो करूंगी तेरे को चाय पिलाऊंग घर में ही करूंगी बांग बोल सुना मैंने क्या बोला मैं तेरे घर में नहीं आऊंगी एक जगह अपना ले जहाँ मेरे को मिलना है हाँ क्योंकि यार देखो बहुत दिन हो गए Tierney जी हमेशा बोलती है कि मेरे जाट का बाल फाड़ लो ठीक है तो अब सब लोगों की एक पावर होती है वो पावर दिखाने का टाइम आ चुका है क्योंकि किस्मत का घंटा बज चुका है अब लोग व्यूअर्स बहनचोद बकचोद या सुन सुन के परेशान हो चुके हैं तो इस खेले को आगे बढ़ाया जाए प्लीज आजा बकरी अगर नीचे बैठ के सुनती हो तो कती लाइव में आजा बेटे हम तो तेरे लाइव में अगर Tierney तुम लाइव पे नीचे बैठी हुई हो एक मिनट अगर तुम Tierney लाइव पे नीचे बैठी हुई हो पनोटी एक मिनट मैं तो देखो नीचे से खुद अपनी ओरिजिनल आईडी से ऐड लिखती हूँ तू जब भी मुझे ऐड नहीं करती क्यों तेरी गांड फटती है मैं तो तेरे को अभी भी कह रही हूँ विक्रांत की लाइव चल रही है हम लोग सब बैठे हैं तू ऐड कर मैसेज कर तेरे को ऐड करेंगे बकायदा तू आने वाली तो बन बेटे बुढ़ी डेड आ तो जा गई वो गई वो गई वो भागी Tierney तो लौड़ा लेने आई थी ना भोसड़ी का तो Tierney अगर तुम लाइव पे आई हो तो तुम्हें लाइव पे इनवाइट करता हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों गाली गलोच के बगैर पहले यहाँ पे एक मीटअप पॉइंट तुम लोग डिसाइड कर लो प्लीज Tierney अगर तुम Tierney हो अगर तुम सच में गुड़गांव की Tierney हो अगर तुम में मर्दों वाली ताकत है तो तुम यहाँ लाइव पे आओ और आज तुम्हारा मीटअप पॉइंट तुम डिसाइड कर लो प्लीज मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना तो कोई गाली गलोच होगी सिर्फ एक ही बात होगी किस दिन किस समय पे किस जगह पे मिलना है सिर्फ यही बात होगी और हाँ। कुछ बात नहीं होगी Tierney आई प्रॉमिस यू Tierney यहाँ पे कोई गाली गलोच नहीं होगी सिर्फ मैं खुद भी गाली नहीं बकूंगी तू लाइव पे आ जा और सिर्फ हमारी इतनी बात होगी कि तू कहाँ मिलेगी सिर्फ मैंने कहा सिर्फ मीटअप पॉइंट सिर्फ मीटअप पॉइंट सिर्फ मीटअप पॉइंट की बात होगी कहाँ पे मिलना है कितने बजे मिलना है That's it. उसके अलावा कोई और गाली गलोच उसको लिए मैंने गाली दी उसके लिए मैंने गाली दी वो लाइन में तूने ये बोला नीचे, था नीचे, वो लाइन में नीचे, नीचे वो कमेंट अरे अरे पनोडी नीचे मैसेज कर रही है एड मादर चौथ पनोडी कमेंट कर रही है जो दूसरी महिला है उसको नीचे कराया जाए और Tierney जी को इन्वाइट किया जाए ये महिला को नीचे उतारो हाँ, और